जी हाँ भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चुपादी पर। मेरा नाम है पम्मी और ये रही हमारी प्यारी हाई पिक्सल की दुनिया, जहां पर मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और सुपर मेहनत करने के बाद फाइनली मेरे पास आ चुके हैं 1 बिलियन से भी ज्यादा कॉइन्स। कभी कभी लगता है कि ये भी चिल्लड़ी होंगे यार, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, आपको तो पता है कि हमने हाई पिक्सल के अंदर बहुत मेहनत की है भाई। हमने किसी को भी नहीं लूटा पैसे कमाने में, तो हमने बहुत मेहनत की और हमने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमें हाई पिक्सल की कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करना है यहाँ पर, तो हमने यहाँ सोच के रखा कि मैं चुपौती हिंदुस्तानी गेमर लॉबी 1 के अंदर जाके सबको थोड़ा बहुत दान पुण्य, सबको तो नहीं, एक दो बंदे को कर दूंगा, बाकी सारे भाग जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मैसेज लिखा हुआ है, आई एम डोनेटिंग 1 मिलियन कॉइन्स टू 1 नूब, कम टू मैप। ज्यादा से ज्यादा गाइस कितने बंदे आएंगे, 1, 2 मैक्सिमम 3, तो मैप के ऊपर उतरी है कितने। हेलो वो, अरे ये लोग तो मेरे को स्क्रीन नजर नहीं आ रही बेवकूफा भाई, इन लोगों ने तो ट्रेडिंग शुरू कर दिया भाई। कितने सारे मैसेजेस मेरे को यहाँ पर ऑलरेडी, ये देखो ट्रेडिंग। हेलो भाई, मेरे को मेरे पास मत आना, मैं मजाक कर रहा था यहाँ पर। हे जाने दो भाई, मैंने गलती कर दिया। वो हे पागलो, तुम लोगों ने कभी भैंस की आंख, तुम लोगों ने कभी पैसे नहीं देखे हाईपिक्सल के अंदर भाई। हो रे ये लोग तो मेरा चीन, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, भागो भाई। जरा आपको तो पता है गाइस कि हाईपिक्सल की लॉबी के अंदर एक मंगलू होता है, हर एक लॉबी के अंदर कोई ना कोई मंगलू होता ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पर जाके देखूं तो हमें मिलेगा यहाँ पर वीट वाला मंगलू, जो की बहुत ज्यादा, ओ माय गॉड, कितना क्यूट बंदा, कितनी मेहनत कर रहा है यार ये बंदा। तो यहाँ पर तो 1 सब्सक्राइब बनता है हमारे वीट वाले मंगलू के लिए। तो अगर मैं वीट वाले मंगलू के ऊपर क्लिक करके देखूं तो हमारा वीट मंगलू आ चुका है लेवल 5 पर। अभी मैंने स्कीम लगाई है कि क्यों ना इसको अपग्रेड करके लेवल 11 तक पहुंचाया जाए, ताकि सारी कम्युनिटी के बंदे एकदम मजा ले सके। तो इसको अपग्रेड करने के लिए ऑफ कोर्स मेरे को चाहिए बहुत सारे वीट। तो काम करता हूं यहां से, मैं पूरी अपनी भैंस पूरी अबे हे बेल की इन्वेंटरी फुल करनी थी वीट की, नहीं यार ओके सारा सब कुछ अभी मेरे को वापस बेचना होगा। हेलो भाई, अभी तेरे आज भाग खुलने वाली है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूं तो लेट्स गो, लेवल 6 पर आ चुका है और लेवल 9 पर ले जाने के लिए इसको चाहिए भाई तेरे प्राइसेस बढ़ने के भाई, एन्चेंटेड हे बेल नूबड़े, तेरे को पता है कितनी महंगी है वो। एंड अपग्रेड एंड एक और ले भाई, कितना। और इसी के साथ गाइस ये लौंडा हो चुका है टियर 11 पर। तो गाइस हमने बहुत ही मस्त वाला काम किया आज, और अभी ये काम पूरी लॉबी को बताते हैं। तो यो नूब्स, आई अपग्रेडेड वीट मिनियन टू लेवल 11, लेट्स गो। और ये देखो सारे इसको भैंस किया, उसको काम तो करने दो। हेलो मामा, उसको काम दिया, देखो सारे मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने इसको अपग्रेड किया लेवल 11 पर, और अब सारे इसको भाई सब उसको एटलीस्ट माइन। तो भैंस की आंख, सारे लूटने के लिए पहले पहुंच जाते हैं हाईपिक्सल के अंदर। वो देखो बेचारे को भैंस के उसके कपड़े, अब उससे कपड़े तक लेके भाग गए यार, ये अजीब लौंडे हैं यहाँ के। वैसे अगर देखा जाए तो हमने एकदम से बेवकूफी कर दी, जब सर्वर रीसेट होगा तो उसका लेवल भी रीसेट हो जाएगा। तो ये पूरे पूरे पैसे वेस्ट हो चुके हैं यहाँ पर। और अभी गाइस मैं आपको दिखाता हूँ अपने फार्म। तो ये देखो अपना पम्पकिन फार्म, अपना वीट फार्म, अपना कैरेट फार्म, और ये पता नहीं कौन, आई थिंक ये वाला कैरेट वाला फार्म है, और ये पता नहीं मेरे को कौन सा फार्म है। अभी प्रॉब्लम मेरे को ये आ रही है कि जब मैं इनको हार्वेस्ट करूंगा तो मुझे फिर से भाई भैंस के अंदर फिर से सब कुछ लगाना पड़ेगा क्या भाई? ये तो ट्रिपल काम हो चुका है यार, ये तो गोल्ड मेडल लेने के चक्कर में मुझे पूरी जिंदगी यहाँ पर काम ही करना पड़ेगा। और अभी गाइस मेरे को अपना टेलीपोर्टर भी सेट करना है, क्योंकि यहाँ से जब मैं अपने फार्म के ऊपर टेलीपोर्ट करता हूँ तो बिल्कुल मैं फार्म के बीचों बीच आ रहा हूँ, और मेरे को फार्म के बीचों बीच, मेरे को नीचे रहने दे भाई। तो मेरे को गाइस फार्म के बीचों बीच टेलीपोर्ट, ये टूट क्यों नहीं भाई? हेलो, ये टूट क्यों नहीं रहा भाई? तो मेरे को गाइस फार्म के बिल्कुल बीचों बीच टेलीपोर्ट नहीं होना, मेरे को टेलीपोर्ट होना एक कोने के अंदर। काम करते हैं हम अपना टेलीपोर्टर डालेंगे बिल्कुल यहाँ पर। तो अभी अपना टेलीपोर्टर एकदम से सेट हो चुका, तो अगर मैं इसके ऊपर छलांग मार के टेलीपोर्ट करने की कोशिश करूं तो सीधा वॉइड के भैंस की कोने के ऊपर कौन रखता टेलीपोर्टर यार? तो कोका बीन्स के अंदर मेरे को जाना है, तो ये वाली रेसिपी मेरे को चाहिए, और जो की है रिप्लेनिश। ओ इससे गाइस पता क्या होता है, इससे अगर मैं एक बारी हो मारूंगा तो वो फसल मेरे हाथ में आ जाएगी, वो ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश भी हो जाएगी। ओ माय गॉड, ये तो मेरे को चाहिए। और ऑफ कोर्स ये चीज बनाने के लिए मेरे को माइन करने होंगे, मेरे को एक्चुअली हाथ से तोड़ने पड़ेंगे 50,000। ओ माय गॉड, 50,000, ये 50,000 कोका बीन्स कौन तोड़ता है यार? लेकिन अपने पास ये बहुत मस्त वाली स्कीम यहां पर आ चुकी है। अभी गाइस फंड एकदम तो सेम हो चुका है, मुझे यहां पर बनाना अपने लिए कोकोनट मंगलू, जो कि हमारी दिन रात मेहनत करके हमारी वो रेसिपी अनलॉक करेगा, और वो रेसिपी के बगैर बिल्कुल मेरे को फार्म के अंदर इंट्रो मेरा खराब, तेरे को क्या, तू इंट्रो खराब मत कर, मेरा पागल है क्या? तो और वो रेसिपी के बगैर मेरे को बिल्कुल अपने फार्म के अंदर जाना ही नहीं, क्योंकि जो चीज मैं तोड़ूंगा मुझे फिर से उगानी पड़ेगी। इसको रखो यहां पर, डंडे के बाद मेरे को बनाना होगा यहां पर छोटा सा हो, और हो को रखो बीच में, और चारों तरफ मेरे को डालने अपने कोका बीन्स, जिसका मेरे कम हो गया या और चाहिए मेरे को। तो ये रहा गाइस अपना कोकोनट वाला मंगलू, लेट्स गो। तो ये अभी लेवल 1 पर है, इसको लेवल 11 की आंख यार। तो ले
सी गाइस, ये अपना पहुंच चुका है लेवल एकदम 11 के ऊपर। लेकिन अभी मेरे को याद आया कि जो फार्मिंग वाले मंगलूस हैं वो एक्चुअली लेवल 12 पर जा सकते हैं, और इनको लेवल 12 तक पहुंचाने के लिए आपको मिलना पड़ेगा एक्चुअली ट्रैवर से। मेरे को एक्चुअली में यकीन नहीं आ रहा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ एक गोल्ड मेडल लेने के लिए। भाई कितना हार्ड हो रहा है यार ये मेरे लिए। अभी मैं आ चुका हूँ गाइस माइनक्राफ्ट के एकदम पहाड़ी इलाके में, और यही कहीं गुफाओं के अंदर मेरे को मिलता है ट्रैवर, और मैं तो भूल गया कि यार ये नूपुर भाई मेरे को मिशन देगा अपग्रेड करने के लिए। कहाँ फंस गया यार मैं। तो अपग्रेडिंग करने के लिए मेरे को चाहिए 75 पेल्ट्स और बीन्स, और भैंस की आग यार इससे अच्छी तो मैं बैठ के दाल ना बना लूं। और इसका मिशन होगा कि मेरे को एनिमल्स जाके ढूंढने हैं और उनको ट्रैक करना। तो जैसे मैं एनिमल्स को किल करूंगा मेरे को मिलेंगे पॉइंट्स, तो मुझे अपना मिनियन अपग्रेड करने के लिए चाहिए टोटल 75 पॉइंट्स यार। तो मेरा पहला एनिमल होगा ओएसिस के पास, जो कि एक्चुअली में इतना दूर नहीं है। ऑलराइट, तो ये रही हमारी ओएसिस वाली जगह, और मेरा पहला जानवर जो कि मेरे को मारना है वो मेरे को यहीं पर ही मिलेगा। भैंस की आंख सरे आम, ये असैसिन्स क्रीड वाली फीलिंग मेरे को यहाँ पर आ रही है, क्योंकि उस गेम के अंदर भी आप लोगों को एनिमल्स मारने होते हैं वूल वगैरह चीजें वगैरह लेने के लिए। और भी मेरे को ढूंढना कि मेरा पहला एनिमल है कहाँ पर। मेरे को तो लग रहा है कि अपना एनिमल एकदम से रफू चक्कर हो गया, उसको पता आज उसकी मौत आने वाली है, तभी मेरे को नजर नहीं आ रहा। हाँ ये रहा मशरूम के पीछे छुपा हुआ यहाँ पर। तो गाइस ये रहा अपना एनिमल। भैंस की आंख, इसके ऊपर पावर भी लगी हुई है। तो हमने पहला एनिमल मार दिया और मेरे को सिर्फ एक पॉइंट। भैंस एक पॉइंट कौन देता है यार। इसका मतलब ये है कि मेरे को 75 एनिमल और मारने पड़ेंगे। नाइस गाइस, फाइनली बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मेरे पास आ चुके हैं 75 पेल्ट्स, और अभी मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको देना है मुझे ये मंगलू। और भैंस की पहले ही ले लिया उन लोगों ने, और ये अभी लगाएंगे यहाँ पर। और तू मैं कह रहा हूँ ठीक तरीके से काम करो, मेरे को फटाफट से माइनिंग रेसिपी बना के दे। तो गाइस बहुत टाइम वेट करने के बाद मेरे को लगकर लगा कि अपने नूबड़े मंगलू बिल्कुल सुधरते ही नहीं है। भाई उसको लेवल 12 पर पहुंचाकर भी मैंने गलती कर दी, काम इसे कख नहीं करना होता। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 6 मंगलूस टोटल मैंने यहाँ पर लगा दिए कोकोनट के। और अभी मेरे को लगता है कि किसी एक पर क्लिक करने, हटाना इसको, इस पर क्लिक करने से मेरी रेसिपी एकदम से अनलॉक हो चुकी है। लेट्स गो। तो ये रही गाइस मेरी रिप्लेनिश की रेसिपी। इतनी महंगी कौन देता है यार ये। और इसको रखना यहाँ पर, पट से हथौड़ा, इसको यहाँ पर एंड पट से हथौड़ा। तो ये रही गाइस अपनी जोगिंदर एक्सप्रेस। भाई चल जाइए यार, ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा। एंड पटेकलस को, और ये देखो गाइस अभी एकदम काम अपना सुपर इजी हो चुके, अपने आप से उग रही है। लेट्स गो। तो इसे कहती है सुपर इजी फार्मिंग। और अभी मेरे पास आ चुका है गाइस खतरनाक वाला हो, और साथ के साथ हाथी मेरा साथी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी नोटिस किया कि अगर मैं अपना एलिफेंट को अपग्रेड करता हूं तो ये मेरे को एक्चुअली में एक्स्ट्रा माल दे सकता है, और जितना एक्स्ट्रा माल आएगा उतने हमारे गोल्ड मेडल जीतने के चांसेस एकदम बढ़ जाएंगे। और ये और मुझे इसको खिला पिला कर लेवल 100 तक भी लेके जाना है। लेकिन उस दिन मैंने देखा था कि यहाँ पर कैरेट रेसिपी है, और कैरेट रेसिपी के अंदर गाइस आप बैठ के यहाँ पर कैंडी स्वीटें बना सकते हैं, कैंडीज बन सकते हैं यहाँ पर। और अगर ये कैंडी अपना हाथी खाएगा तो एकदम से इसका लेवल 100 तक तो पहुंच ही जाएगा। तो एक ये वाली सुपर कैंडी बनाने के लिए मेरे को चाहिए गोल्डन कैरेट बनाने के लिए मेरे को चाहिए ये वाली एन्चांटेड कैरेट। मत मारेगी ये मेरी यार, मुझको यहाँ पे बहुत सारी कैरेट्स निकाले, और वो कैरेट्स मेरा हाथी खा के एकदम से हट्टा कट्टा हो जाएगा, और मेरी इन्वेंटरी फिर से। और ये क्या यार, मेरी पूरी भैंस की आंख की क्या हो रही है। तो सबसे पहले गाइस मेरे को बनानी होगी एक नॉर्मल कैंडी। तो नॉर्मल कैंडी बनाने के लिए आपको कैरेट्स रखनी है क्राफ्टिंग टेबल के अंदर ऐसे, और अभी इसके बाद मेरे को बनानी है एक ग्रेट कैंडी। और ग्रेट कैंडी को बनाने के लिए आपको नॉर्मल कैंडी रखनी होगी बीच में कुछ ऐसे। और फाइनली गाइस मेरे को पता लगा कि यहाँ पर कम्युनिटी शॉप से मैं एक्चुअली कुछ चीज बाय कर सकता हूँ, जो कि है अल्टीमेट कैरेट कैंडी। भाई तो ये भी मैं एक ले लेता हूँ। और फाइनली ये यहाँ पर जाएगी, और ये यहाँ पर जाएगी, और तब जाके मेरे को मिलेंगी 10 अल्टीमेट कैंडीज। भैंस की आंख आप बिलीव नहीं करोगे 20 मिलियन खर्च चुका हूँ ये गाजने बनाने में। ओके हाथी रेडी हो जाओ। तो अगर मैं कैरेट लेके इसके ऊपर क्लिक करके देखो तो उसने एक्चुअली खा ली, और उसका लेवल पलक झपकते ही हो चुका है 58। कोई बात नहीं, अब ये लो दूसरी मार, तीसरी, भैंस की चौथी पूरी खा ले मेरे भाई। 10 कैरेट है, 10 की 10 तू खा ले। तो लीजिए गाइस फाइनली मेहनत करने के बाद हमारा हाथी पहुंच चुका है लेवल 88 पर। अभी जाके मेरे को और कैंडीज लेके आनी पड़ेगी। लेकिन अभी पता है प्रॉब्लम पता है
क्या, हाईपिक्सल की प्रॉब्लम पता है क्या है? आप एक पेट को सिर्फ एक बार में सिर्फ 10 कैंडीज दे सकते, 10 के 20 मिलियन खर्च कर लिए पता तेरे को। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, लेवल 88 भी बहुत ज्यादा होता है। और फाइनली मेरे को एक चीज हाथी के ऊपर लगानी है जो कि मेरे को मिलेगी पेट शॉप के अंदर। तो हेलो जोग अंकल जी, आज कैसे हो? तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये बंदा एक्चुअली बूस्टर कुकीज बेच रहा है, तो मैं यहां पर फार्मिंग एक्सपी बूस्ट ले सकता हूं हाफ अ मिलियन कॉइंस का भाई। और अभी इसको देना बूस्टर हो पट से। ये भी इसने सब कुछ खा रहा, तू कहां फिट कर रहा भाई, तू छोटा सा तो तेरा पेट है। और बाकी लेवल बढ़ाने के लिए मुझे एक्चुअली फार्मिंग करनी पड़ेगी। कहां फंस गया यार, इतनी कुकीज दी, इतनी चीजें दी, फिर भी लेवल नहीं बना। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हम फिर भी बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं गोल्ड मेडल लेने के लिए। और अगली वीडियो में डेफिनेटली 100% हमारा गोल्ड मेडल एकदम से पक्का होगा। तो यार इन द मीन टाइम मेरे को थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग करनी है ताकि अपना हाथी लेवल 100 तक पहुंचे। तो चलिए गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय-बाय।